रॉयल सोइंग मशीन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सिलाई मशीन के रेगुलेटर की अगर स्प्रिंग टूट जाती है तो आप उसको कितनी आसानी से बदल पाएंगे, वो हम आज आपको बताएंगे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है नई स्प्रिंग, आपको बहुत आसानी से समझाएंगे और उसकी बहुत इजी ट्रिक बताएंगे। ये स्प्रिंग को ऐसे एक धागा लपेट दीजिए, ये आपका स्प्रिंग हो गया। अब आप पुरानी स्प्रिंग को कैसे खोलना है वो हम आपको बताएंगे। ये जो पिन आती है वो आप पकड़ से उसे खींच लीजिए। ये है टूटी हुई आपकी स्प्रिंग जो टूट चुकी है। अब हम आपको नई स्प्रिंग कैसे डालना है वो बताएंगे। पहले ये स्प्रिंग को यहाँ रख दीजिए। अब ये पिन वापस डाल लीजिए। स्प्रिंग जो है वो ये पिन से अंदर से आनी चाहिए। देखिए हम आपको बता देते हैं, इस हिसाब के आपको स्प्रिंग बिठानी है। अब ये जो पिन है उसको वापस चौड़ा कर दीजिए। अब आप इसको अंदर जो स्प्रिंग लगाई हुई है उसके अंदर जो हमने धागा डाला था उसको कैंची से काट लीजिए। ये देख लीजिए आपकी स्प्रिंग आसानी से लग गई और जो पावड़े में आपको प्रेशर चाहिए था वो चालू हो गया और आपकी नई स्प्रिंग इसके लग गई है। ये अपनी टूटी हुई स्प्रिंग से आप मात्र 5 मिनट में आप अपनी रेगुलेटर की स्प्रिंग चेंज कर पाते हैं ये आसान ट्रिक से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।